वेलकम टू गाइस माई न्यू वीडियो। तो गाइस आज मेरे पास रिपेयरिंग करने के लिए ब्लूटूथ स्पीकर आया हुआ है, जिसमें प्रॉब्लम इसका चार्जिंग कनेक्टर टूट गया है और गाइस ये जो है चालू नहीं हो रहा है, ये पूरी तरीके से बंद है। तो गाइस इसे किस तरह रिपेयर करना है इस वीडियो में आप लोग को बताता हूँ। तो यहाँ पर गाइस इसके पीछे की तरफ देखेंगे आप, तीन स्क्रू रहेगा, वो तीनों स्क्रू को खोल लेना है। खोलने के बाद गाइस इसके नीचे हमारा इसका मदरबोर्ड रहेगा। तो यहाँ पर जो गाइस आपको पहले इसकी बटन को अच्छी तरीके से निकाल लेना है, क्योंकि ये काफ़ी नाजुक होता है। तो यहाँ पे गाइस मैंने मदरबोर्ड को उठा लिया और देख सकते हैं इसमें जो हमारा चार्जिंग कनेक्टर ये टूट गया है, और ये यहाँ पे देखेंगे तो पूरी तरीके से ग्राउंड लेके उखड़ गया है। तो गाइस यहाँ पे ये चार्जिंग कनेक्टर नहीं बैठेगा, ना यहाँ पे नया बैठेगा। तो गाइस यहाँ पे जो है आपको USB वायर लगाना होगा, जो हम मोबाइल में चार्जिंग के लिए यूज करते हैं। तो गाइस मैं USB वायर को ले लेता हूँ और उसे किस तरह लगाना है इस वीडियो में आप लोग को बताता हूँ। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हैं मैंने USB वायर ले लिया है। इसे आपको अपने हिसाब से कितना बड़ा रखना है उस हिसाब से आपको इसको कटिंग कर लेना है, और कटिंग करने के बाद गाइस इसे किस तरह इसमें सोल्डिंग करना है मैं आप लोग को बताता हूँ। काफ़ी ईजी होता है गाइस इसे रिपेयर करना। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं ये वायर को ले लिया हूँ, अभी इसको छीन लेता हूँ वायर को। तो यहाँ पर देखेंगे चार वायर रहता है USB में, तो आपको जो है यहाँ पर ब्लैक और रेड को लेना है और बाकी दोनों दो वायर को कटिंग कर देना है, क्योंकि ये हमारे मोबाइल के चार्जिंग वायर है। तो यहाँ पे सिर्फ हमें प्लस माइनस की ही ज़रूरत है, क्योंकि इस ब्लूटूथ स्पीकर में जो चार्जिंग कनेक्टर रहता है वो प्लस माइनस पे ही खाली सोल्डिंग होता है। तो यहाँ पे जो है गाइस जहाँ पे हमारा चार्जिंग कनेक्टर बैठता है वहाँ पर जो है आपको शोल्डर से थोड़ा सा वहाँ पर साइज बना लेना है ये वायर बाहर निकलने के लिए, क्योंकि अभी जो है यहाँ पर हम जब इसमें सोल्डिंग करेंगे इस वायर को तो बाहर निकालना पड़ेगा। तो आपको अपने हिसाब से उसे सोल्डिंग करके या कटिंग करके आपको गैप बना लेना है, जिसमें ये वायर परफेक्ट जाके बैठे। तो यहाँ पे गाइस मैं इसे सोल्डर से हल्का सा गर्म कर दिया हूँ और इसे थोड़ा अच्छे तरीके से फिनिशिंग कर देता हूँ, इसलिए क्योंकि जब ये वायर यहाँ से बाहर आएगा तो कटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते ये वायर प्रॉपर एकदम अंदर सेटअप बैठ रहा है इसका। तो गाइस इसे जो है अभी हमें सोल्डिंग करना पड़ेगा, किस तरह सोल्डिंग करना है मैं आप लोग को बताता हूँ। तो यहाँ पे ये परफेक्ट एकदम बैठ रहा है, तो वायर को अच्छी तरीके से आपको छील लेना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे आपके पास जो है एक ब्लैक और एक रेड वायर है, तो जो ब्लैक है गाइस वो हमारा ग्राउंड में कहीं भी आप उसे अटैच कर सकते हो, जहाँ पर आपको ग्राउंड मिलता रहेगा। तो यहाँ पर जो है जहाँ पर ये चार्जिंग कनेक्टर बैठा हुआ था वहाँ पे ये ग्राउंड हमें नज़र आ रहा है, हम वहाँ पर इसे सोल्डिंग कर देते हैं ब्लैक वाले वायर को। और रेड वाले वायर को देखेंगे गाइस तो उसके पीछे जो है एक ब्लैक कलर का जो है कैपेसिटर रहेगा, वहाँ पे जो है आपको इसे सोल्डिंग करना है। तो यहाँ पे मैं एक ग्राउंड वाले को ब्लैक वाले को अच्छी तरीके से सोल्डिंग कर देता हूँ। और उसके बाद गाइस इसके पीछे की तरफ आप देखेंगे जहाँ पर हमारा चार्जिंग कनेक्टर बैठता है वहाँ पर एक ब्लैक कलर का डाइवर्ट लगा रहेगा, उस डाइवर्ट पे जो है आपको ये रेड वाले वायर को सोल्डिंग कर देना है। जहाँ पे हमारा चार्जिंग कनेक्टर का लाइनिंग जाता है वहीं पे आपको सोल्डिंग करना है, दूसरी तरफ नहीं करना है, क्योंकि ये दूसरी तरफ ग्राउंड रहता है। तो यहाँ पे जो है मैं इसे सोल्डिंग कर दिया हूँ, अभी जो है ये प्रॉपर एकदम सोल्डिंग हो चुका है। तो देख सकते गाइस इसे मैं किस तरह सोल्डिंग किया हूँ। तो जो है अभी मैं इसे चार्जिंग प्लगिंग करता हूँ, क्योंकि ये कस्टमर जो है ख़राब होने के बाद एक डेढ़ महीने तक इसे रख दिया था, तो इसकी बैटरी पूरी तरीके से उतर गया है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा वेट करना होगा, इसे चार्जिंग प्लगिंग करके हम रखते हैं और देखते हैं ये चालू होता है कि नहीं। तो यहाँ पर गाइस मैं इसे काफ़ी टाइम तक चार्जिंग प्लगिंग करके रखा और गाइस देख सकते ये अभी भी चालू नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो गाइस इसके अंदर जो बैटरी लगा हुआ है वो बैटरी को हमें बूस्ट करना पड़ेगा, मतलब झटका देना पड़ेगा, तो ये चार्ज हो जाएगा, तो ये प्रॉपर चार्जिंग उठा लेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा चार्जिंग जो वायर हमने लगाया है ये प्रॉपर है हमारा। और उसके बाद जो है इसमें जो प्रॉब्लम आ रहा है, कभी कभी जो है गाइस जो हम ग्राउंड में सोल्डिंग करते हैं वो प्रॉपर जगह नहीं सोल्डिंग होता तो भी ये प्रॉब्लम बनता है। तो यहाँ पर जो है गाइस अभी हमें पहले इस बैटरी को बूस्ट करना होगा। तो इसे किस तरह बूस्ट करना है मैं आप लोग को बताता हूँ। तो यहाँ पे जो है जो बैटरी हमारा लगा हुआ है यहाँ पे खाँचा है, वहाँ से इस बैटरी को पहले निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद इसे आप चार्जिंग वायर से या आपके पास झटका मशीन हो या DC पावर सप्लाई हो, आपको 5 वोल्टेज तक इसमें जो है झटका देना पड़ेगा। और देखते हैं ये प्रॉब्लम जो हमारा बैटरी पूरी तरीके से एम्प्टी हो चुका है ये वापस चालू होता है कि नहीं।
तो कभी भी गाइस अगर आप लोग के पास ऐसे प्रॉब्लम के आते हैं, अगर आप उसे वायर भी लगाने के बाद नहीं चालू होता, तो आपको जो है इसे 5 वोल्टेज से जो है बैटरी को थोड़ा सा बूस्ट कर देना है, क्योंकि ये पूरी तरीके से एम्प्टी हो जाता है, जिसके कारण जो है ये चार्जिंग फिर वापस जल्दी नहीं उठाता है। तो यहाँ पे जो है मैं इसे अच्छी तरीके से बूस्ट कर देता हूँ। बूस्ट करने के बाद वापस इसे कनेक्ट करता हूँ और देखते हैं कि ये वायर जो मैंने इसमें लगाया हूँ, ये चार्जिंग एम्पेयर मशीन में लगाया हूँ। तो जब गाइस मैं इसे लगाया था तो यहाँ पे सिर्फ ये 10 एम्पेयर ले रहा था, तो अभी जो है मैं इसको बैटरी को बूस्ट किया तो जो है ये 50 एम्पेयर ले रहा है। तो जो है गाइस अभी वापस से मैं इसे चार्जिंग में प्लगिंग करके देखता हूँ ये प्रॉपर चार्ज हो रहा है कि नहीं। तो देख सकते गाइस जब मैं इसे चार्जिंग में प्लगिंग किया तो ये प्रॉपर अभी चार्जिंग उठा लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं गाइस ये प्रॉपर हमारा अभी चार्जिंग उठा लिया है और ये कंप्लीट अभी ऑन भी हो रहा है। तो इस तरह गाइस ऑलमोस्ट कोई भी ब्लूटूथ स्पीकर हो जिसका चार्जिंग कनेक्टर टूट गया हो तो उसे काफ़ी इजी होता है रिपेयर करना। तो यहाँ पे जो है गाइस ये कंप्लीट अभी बैटरी हमारा जो चार्जिंग एम्पेयर मशीन में जो ये 80 एम्पेयर ले रहा है, ये परफेक्ट एकदम चार्जिंग हो रहा है। इस तरह गाइस ऑलमोस्ट कोई भी स्पीकर हो जिसका चार्जिंग कनेक्टर टूट गया हो तो गाइस आप उसे USB वायर प्लस माइनस देख के आपको रीसोल्डिंग कर देना है। और गाइस ये जो स्पीकर है ये कंप्लीट चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मैंने जो है इसे चार्जिंग में प्लगिंग करके रखा था, अभी देख सकते हैं इसे मैं ऑन करता हूँ ये कंप्लीट ऑन भी होएगा। तो देख सकते हैं अभी जो है यहाँ पे नीला लाइट जलने लगा। और गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरह डेली आप लोग को एक नोटिफिकेशन वीडियो मिलता रहेगा। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो गाइस।